ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मेरा निश्चय, मेरा विश्वास बाबा पर ऐसा हो कि मेरे विश्वास के सामने उसका सिंहासन तो डामाडोल हो जाए, लेकिन मेरा विश्वास अटल। और एक बार तो मैं उसको ऐसा विवश कर दूं, ऐसा विवश कर दूं कि वो भी सोच में पड़ जाए कि अगर इस बच्चे के विश्वास की लाज नहीं रखी गई तो दुनिया में मेरे ऊपर विश्वास करना ही बंद कर देंगे लोग। ऐसा गजब का विश्वास आप बाबा पे बनाइए कि वो खुद विवश हो जाए आपके विश्वास की लाज रखने के लिए। जैसे एक छोटा बच्चा हमारे हाथ में होता है, गोदी में होता है, 5-6 महीने का, कभी कभी देखिए आप सब माताएं बैठी हैं, बच्चा इतना इरिटेट हो जाता है, ना खाने से मानता ना खिलौने से मानता, रोता रहता है, इरिटेट होता रहता है। अब उस पर एक फार्मूला अप्लाई किया जाता है, हवा में उसको उछालते हैं, है ना, क्या होता है 2-4 बार उछालने से वो कितना भी इरिटेट हो ना किलकारी मार के हंसता है। जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता ने भी उछाला था, हमको भी उछाला था, तुम खुश होते थे, इंजॉय करते थे, भरपूर किलकारी मार के हंसते थे, बड़ा मजा आता था। ठीक है, आपने देखा एक तरफ रिस्की सिचुएशन है, वेरी रिस्की, और एक तरफ बच्चा इंजॉय कर रहा है रिस्की सिचुएशन को। 1%, 0.5%, 0% यदि वो हाथ से छूट जाए तो डेथ भी हो सकती है उसकी, गहरी चोटें लग सकती है उसको। पर वो नादान बच्चा रिस्की सिचुएशन को जी भर के एंजॉय कर रहा है और मनसा क्या है, वंस मोर, करते रहो, मजा आ रहा है। ऐसे ही हम नादान से बच्चे बन जाएं, छोटे से, और सौंप दें। मैं फिर से क्या कह रही हूं, छोटे से बच्चे बन के अपने को सौंप दो पूरे विश्वास के साथ। जो तीनों लोगों को थामे बैठा है वो मुझे भी गिरने नहीं देगा, ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास। लेकिन बनना क्या पड़ेगा, अब छोटे ही बच्चे को उछाला जा सकता है, कोई अभी आपको कहे कि हम आपको उछाल दे तो क्या करोगे? और यदि बच्चा हाथ में से बाहर निकलने की कोशिश करे तो हम उसको उछाल रहे पर वो हाथ में से बाहर, तो हम उसको उछाल और वो इंजॉय, तो पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, सौंपना। वो इंजॉय किस बेस पे कर रहा है बच्चा, उसे भरोसा है, उसे विश्वास है, कुछ भी हो जाए ये हाथ मुझे गिरने, बस ऐसा ही भरोसा बाबा के लिए रखना है, सिचुएशन कैसी भी हो ये मुझे गिरने नहीं देगा।